Thank you. For being patient and for being here till the end of the lecture. First of all, I would like to thank Dr. Saab कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और इधर आए और बहुत सारी ऐसी बातों पे सोचने पे मजबूर किया जो शायद हम अपनी रोजमर्रा की मसरूफ जिंदगी में बस एक एस्पेक्ट पे सोचते हैं और दूसरे एस्पेक्ट को देखने पे हम कोशिश नहीं दूसरा एस्पेक्ट देखने की कोशिश नहीं करते. तो अब आप बच्चों के लिए बहुत सारे उन्होंने क्वेश्चन मार्क छोड़े हैं. दैट इज यू टू फिल, यू टू फाइंड आंसर. ठीक है. और आई होप कि ये जो सेशन था इट वाज एन इंफॉर्मेटिव सेशन. फॉर मी इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव और आप लोगों के लिए भी इतना ही इंफॉर्मेटिव होगा और आप भी अपने सोच के अंदाज को थोड़ा सा मुख्तलिफ जाविये से देखने की कोशिश करोगे. अब जहां तक लेक्चर की बात है उस पे बात करना वही है कि मैं मेरी अकल और मेरी नॉलेज बड़ी महदूद है इस टॉपिक के हवाले से तो मैं मजीद कुछ कहने की जसारत नहीं कर सकती. लेकिन सिर्फ थोड़ी सी बातें ऐड ऑन करूंगी जो डॉक्टर साहब ने एक्सट्रीमिज्म के हवाले से कही. उसमें एक बात जो मैं थोड़ी सी ऐड ऑन करूंगी. देखिए हमारा मजहब है वो ये कोई भी मजहब मैं सिर्फ अपने मजहब कि मतलब हम बीइंग अ मुस्लिम वी बिलीव कि हमारा मजहब सबसे अच्छा है. लेकिन सारे मजाहिब जो हैं वो अपनी जगह बहुत अच्छे मजाहिब हैं और उन सब में एतदाल की बात हुई है और एक्सट्रीमिज्म जो है वो किसी एस्पेक्ट में थोड़े से किसी रिलीजन में एक एस्पेक्ट में होगा दूसरे एस्पेक्ट में नहीं होगा लेकिन ओवरऑल एक्सट्रीमिज्म किसी मजहब में नहीं है. तो इत्तेदार जब भी हम किसी चीज में इत्तेदार मयाना रवी इख्तियार करते हैं हम एक अच्छे इंसान और एक अच्छे मुसलमान खुद ब खुद बन जाते हैं क्योंकि उससे हमारे जब हम इत्तेदार अपने रिलेशनशिप में रखेंगे तो उससे हमारे हाथ से हमारी जबान से दूसरे बंदे दूसरे जो इंसान है वो महफूज रहेंगे. हम अपनी एक उसमें छोटी सी मैं हदीस कोट करना चाहूंगी. अब उसका रेफरेंस मुझे याद नहीं है कि एक हजरत सल्लम से किसी शख्स ने पूछा कि जी वो ये रिलेटेड टू एक्सट्रीमिज्म इन अवर रिलीजियस ऑब्लिगेशंस जो नमाज रोजा हज ज़कात वगैरह जो हमारी रिचुअल्स हैं इसमें एक्सट्रीमिज्म कि जी ईसाइयत में रबानियत है और एक दूसरे के जमाने में कुछ असहाबे कराम भी इसी तरफ रागिब होने की कोशिश मतलब चाहते थे कि हम जितने ज्यादा नमाज और कुरान पढ़ेंगे उतने अच्छे इंसान और मुसलमान. तो इसको मना फरमाया क्योंकि उससे ये मेरा काम है कि मैं ज्यादा इबादत मेरे लिए फर्ज है तुम लोगों के लिए हुक्म नहीं है. तुम्हें ये इत्तेदार रखना है अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपने रिलीजियस लाइफ में और अपने रोजाना के मामलात में यानी कि आपके आपस के रिलेशनशिप में आपने इत्तेदार रखना है. तो एक्सट्रीमिज्म वहां पे आता है जहां पे आपका इत्तेदार खत्म हो जाता है. सो और इंटॉलरेंस वहां पे आती है जहां पे आपका इत्तेदार खत्म हो जाता है. तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप इत्तेदार अपने रिलेशनशिप में अपने और दैट लीड्स टू ह्यूमन राइट्स कि जब आपका ये अप्रोच होगी कि आपने अपने रिलेशनशिप में अपने अमाल में इत्तेदार रखना है तो आप कभी भी किसी के राइट्स को डिसइनफ्रेंचाइज नहीं करोगे या किसी के राइट्स को आप मार्जिनलाइज नहीं करोगे. सो दिस इज द ओनली थॉट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि अपने जिंदगी में इत्तेदार रखिए अपने मामलात में इत्तेदार रखिए
और एक अच्छे इंसान बनेंगे और एक अच्छे मुसलमान बनेंगे। और उसके साथ ही मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, डॉक्टर साहब का और अपने सपोर्ट स्टाफ का, अपने फैकल्टी मेंबर्स का जिन्होंने दीदा आपका कि आपने हमारा तारुफ कराया डॉक्टर साहब से और हमें मौका दिया कि वो यहाँ पे आए और अपने हम उनकी बातों से मुस्तफीद हो सकें। तो आई एम सो ग्लैड दैट यू आर ऑल हियर। और ये हमारी अगर आपको कोई और डॉक्टर साहब से सवाल जवाब करना हो तो उन्होंने बहुत अपने डिटेल इंफॉर्मेशन दे दी है, तो प्लीज कीप ऑन getting new information, new seed knowledge, और वो तो रसूल सल्लम का भी हुक्म है कि आप इन हासिल करो चाहे आपको जहाँ चीन भी जाना पड़े, ठीक है। और ये इसमें कोई मर्द और औरत की कैद नहीं है, अगर वो होता है औरत मर्द की कैद होती तो सिर्फ वो कहते कि मर्दो तुम इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जाना पड़े। तो इट इज ऑल फॉर यू टू, थैंक यू वेरी मच एंड सो नाइस। Now I would like to call Dr. Sarah Hasan to present flower bouquet to our distinguished guest. I would request our honorable guest to move towards gender studies department for refreshment. How's your behavior?